अर्चनी वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, सदगुरु कबीर, कबीर का अर्थ ही होता है महान। आप शब्दकोश ढूंढ लें। ख्याल आया, गुरुदेव जी के पास था प्रयागराज में, तो एक पुस्तक गुरुदेव जी की निकली, लिखे संत कबीर और उनके उपदेश। तो भूमिका में तो प्रथम वाक्य यही है, कबीर का अर्थ है महान, और उसको रेपर फ्लेप में भी दिए। तो कहा कि एक विद्वान किसी प्रयाग यूनिवर्सिटी के एक विद्वान पुरुष थे, मुस्लिम भाई थे लेकिन प्रोफेसर थे, शायद रिजवी रहा क्या ऐसे कुछ रहा, कि उनको ले जा कर के भेंट कर दो। मैं और एक साथी गए, जब वो खोल करके पीछे को देखे तो कबीर का अर्थ महान। तो शायद उनको ये जानकारी नहीं रही होगी, तो अपना वो शब्दकोश खोले उसी समय, मैं तो बैठा ही था, शब्दकोश खोले और सही वही निकला है ही है अर्थ में, कबीर का अर्थ है महान, शब्दकोश में है ये, और हम लोगों के लिए तो महान है ही है। बाद में उनके अनुगामी उनके जीवन के कई बातों को विवाद का विषय बना लिए हैं। महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कहाँ जन्मे, कहाँ रहे, उन्होंने कहा क्या, यह महत्वपूर्ण है। पहले की बात याद आई, एक बार हमारे संत, कई ऐसे संत थे जो लोग, उस समय की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मिलने गए एक पूरी समूह संतों की, और कहे कि पढ़ाई में उनको गृहस्थ सिद्ध किया जाता है, अनपढ़ सिद्ध किया जाता है, कबीर पंथ में तो किसी भी शाखा में यह मान्यता नहीं है कि वो गृहस्थ थे, वो तो परम विरक्त संत थे, तो आप इसको पहल करें कि स्कूलों में और कॉलेजों में भी उन्हें विरक्त संत सिद्ध किया जाए, दर्शाया जाए। जब ये बात कहते हैं तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, संत कबीर गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो अपने आप में महान है। उन्होंने क्या कहा, वो अपने आप में महान है कोई भी हो। मैं तो ये कह रहा था, कुछ विद्वानों विद्वान लोग पूरी जानकारी के अभाव में अपना स्टेटमेंट दे दिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, ऐसे ही उनके जन्म के विषय में किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और यह लोगों को आपस में टकराने का अवसर मिल गया। मैं नहीं समझता हूँ इस पर कोई आग्रह और दुराग्रह करे, कोई मानता है माने, उसमें कौन बड़ी बात हो गई, उनके माता पिता कौन थे, मानो भाई, मैं इस पर तूल नहीं देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इतना तो सच है ना कि कबीर साहब थे, ऐसा तो नहीं कह सकते कबीर साहब थे ही नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, बस थे। महत्वपूर्ण है उनका संदेश। उन्होंने आज हम लोगों को जो संदेश दिया है उस समय, वो कितना उपयोगी और कितना, सच कहो ना, कितना वो हमारे जीवन का हिस्सा बना, ये महत्वपूर्ण है। कबीर, यहाँ हम लोग जितने बैठे हैं अधिकतम लोग कबीर अनुगामी हैं। कुछ लोग होंगे जो विधिवत दीक्षित नहीं होंगे, लेकिन इतना तो पक्का है कबीर प्रेमी हैं, तभी तो कबीर विचारों को सुनने आए हैं, कबीर प्रेमी हैं। और कबीर से प्रेम करने का क्या अर्थ है, कबीर से प्रेम करने का क्या अर्थ है, क्या कबीर साहब जी की कोई मूर्ति बनाकर या चित्र बनाकर उसकी पूजा, उसका वंदन, यही सब करना कबीर से प्रेम करना है? क्या इतना मात्र कर लिया गया और कहा गया मैं कबीर प्रेमी हूँ, कबीर अनुगामी हूँ, इतना ही नहीं है। कबीर से प्रेम करने का अर्थ है कबीर विचारों से प्रेम करना। क्यों?
क्योंकि आज हम सदगुरु कबीर को जानना चाहें तो किस रूप में जानेंगे, किस उसका आधार क्या है, कबीर को जानने का आधार क्या है, उनके विचार, उनकी वाणी और विचारों के आधार पर ही तो हम कबीर तक पहुंच रहे हैं, बाकी कोई उनका कोई सीधा संबंध तो है नहीं है। तो कबीर के विचार, विचारों को आप यदि कबीर विचारों से प्रेम करते हैं, इसका मतलब है आप कबीर से प्रेम करते हैं। आप कहेंगे नहीं जी, मैं तो कबीर के केवल स्थूल शरीर या उनकी जो मूर्ति है, चित्र है, उसी से प्रेम करता हूं, मुझे वाणी वचन से क्या मतलब है, उनके उपदेश से, तो फिर अधूरी जानकारी है। सच कहो ना, कबीर को आज भी कोई जान रहा है, किसके आधार पर जान रहा है, उनके संदेशों के आधार पर, उनके विचारों के आधार पर। और एक बात है, जब आप किसी से प्रेम करने लगते हैं तो फिर उनके स्वभाव, उनके क्रियाकलाप हमारे जीवन के हिस्सा होने लग जाते हैं, जीवन का हिस्सा होने लग जाता है। जैसे आप, आपका कोई मित्र हो, आपका कोई मित्र हो और जिनसे आपकी बड़ी घनिष्ठता है, गहरा प्रेम है, और उनके साथ आप रहते हैं, तो क्या होगा, उनके बोलने का ढंग आप में भी आने लगेगा, उनके खान पान भी आप में आने लगेगा, उनके क्रियाकलाप भी आप में आने लगेगा। क्यों? प्रेम है। यदि बहुत लंबे समय से आपके मित्रों से, मित्र से मिलना नहीं हुआ और कहीं उसका एक रुमाल भी मिल जाए ना, तो आप कहेंगे वाह मेरे मित्र का रुमाल है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अपने ही सदगुरु के बारे में सोच लो, जिन्हें आप गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, उन्होंने मान लो आपको एक साफी दे दी हो छोटी सी, उसको आप सिनेस लगाते हैं नहीं, गुरुदेव जी ने दिया है, ये प्रसाद है, सही है ना, और वो कितना महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है, उनके हर चीज महत्वपूर्ण और हर क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं तो ये कह रहा था, कबीर विचारों से प्रेम करने का अर्थ यही होगा, या कबीर से प्रेम करने का अर्थ यही होगा कि वो विचार हमारे दिल में समाए और हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए। और हिस्सा होने का मतलब, फिर जब कबीर के विचार हमारे भीतर जाएगा तो हम वैसा ही नहीं रहेंगे, वैसा ही नहीं रहेंगे जैसा हमारा जीवन है, फिर कुछ अलग हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा। क्योंकि जब कोई सत्य जाने और सत्य का जीवन न जिए, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब होगा कि आप सत्य जाने ही नहीं है, सीधी सी बात तो यही है, आप जाने ही नहीं है। जैसे आपके सामने थाली परस कर कोई लाए और थाली परस करके रखा, भोजन बहुत सुंदर, देखने में सुगंधी भी, और आप बिल्कुल आतुर हैं भोजन करने के लिए। इतने में आके आपके कान में आके कोई कहता है, इस भोजन में जहर मिला है, चुपके से, कितने लोग ग्रहण करेंगे? समझ बात आ रही ना? सत्य का जानना उसका त्याग होता है। या तो आप जाने नहीं, आपको पता नहीं है तो आप खा जाएंगे उसको, लेकिन जैसे पता चला कि इसमें जहर है, आप छोड़ देंगे। ऐसे ही यदि कबीर विचार हमारे जीवन में समाया, इसका मतलब है हमारे जीवन का रूपांतरण हो गया, परिवर्तन हो गया। और आप खुद सोचें, क्या सचमुच मैं वैसा ही जीवन जी रहा हूं जैसा सदगुरु कबीर ने संदेश दिया, या वैसा जैसा मैं चाहता हूं? हैरानी होगी, अभी बहुत कुछ बाकी है जो जीवन में बदलने जैसा है, कुछ करने जैसा है। तो कबीर विचारों से प्रेम करने का मतलब है वो उनके विचार हमारे जीवन का हिस्सा बने, केवल पढ़ने का हिस्सा न बने, वक्तव्य का हिस्सा न बने, केवल जानकारी का हिस्सा न बने, बल्कि हमारे वो जीवन का हिस्सा, मतलब हमारे खून में समा जाए, हमारे आचरण में समा जाए, हमारे व्यवहार, मतलब हमारा व्यवहार कुछ अलग ही होने लग जाए दूसरों से, जो नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जैसा जिए, जैसा करें, जैसा बोलें, कोई बात नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा यहाँ उठ के आए और यहीं पर वो नाचने लगे,
या फिर वो लघु शंका कर दे, क्या कहेंगे? बालक भगवान है, कोई बात नहीं है, चलेगा। नहीं जानता है ना कि भाई कहाँ उनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ जो समझदार और बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, वो आदमी ऐसे करने लग जाए तो क्या होगा, क्या कहेंगे? ये कितना नासमझ है, सबके सब रोकेंगे। मतलब तुम जानते हो कि यहाँ एक नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हो, दंड के पात्र हो। सही है ना? बच्चा दंड का पात्र नहीं है। लेकिन यदि आप जान बुझ करके करते हैं तो, कबीर साहब की एक पंक्ति है, जान बुझ जो कपट करत है तेही असमंदन कोई, कहां ही कबीर तेही मूढ़ को भला कौन विधि होई। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, जान बुझ जो कपट करत है तेही असमंदन कोई, कहां ही कबीर तेही मूढ़ को भला कौन विधि होई। न जानते हो आप, साधना के विषय में न जानते हो, सत्य के विषय में न जानते हो, सही जीवन तरीके के बारे में न जानते हो, सही खान पान के बारे में न जानते हो, और गलती करते हो, समझ में बात आती है। लेकिन जान करके ये पता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए कम से कम एक कबीरपंथी भक्त को, उसके बावजूद यदि वह कर रहे हैं, तब उन्हीं के लिए साहब पंक्ति है, हम सबके लिए वो पंक्ति है कि जान बूझ जो कपट करत है तेही असमंद न कोई, कहीं कबीर तेही बूढ़ को भला कौन विधि होई। घाटा ज्यादा हमको है, अनजाने को नहीं है, जो नहीं जान रहा है। एक आदमी गधा पाला था, गधा रखा था, काम लेता था गधे से, गधे से मिट्टी धोने का और कुछ करने का काम लेता था। तो एक दिन वो अपने गधे को लेकर के नदी तट पर चराने गया। ऐसा संजोग था कि नदी के तट पर ऐसी जो मिट्टी थी वो धसी हुई थी, मतलब जिसे कटाव होता है ना मिट्टी से, पानी से, तो कटी हुई थी। और शाम का वक्त था, सूर्य की किरणें आ रही थी, और वहां एक ऐसा पत्थर जो चमक रहा था सूर्य की किरणों के पड़ने से, उसने उठाया, धोया, बड़ा अच्छा लगा। और उसने क्या किया, उसको एक रस्सी से बांधा बढ़िया से, और उसको गधे के गले में डाल दिया। गधे से प्रेम था तो गधे को अच्छी चीज डालो, वो डाल दिया। घर लौटने का वक्त था, लौट रहा था, इतने में एक व्यक्ति जो लगभग पारखी कहना चाहिए, वो एक जौहरी था जो रत्नों की परख करने वाला था, उसने देखा, गजब बात हो गई, हीरा तो यूं ही मूल्यवान है, लोग को मिलता नहीं है, और ये गधे के गले में इसको डाला हुआ है, निश्चित रूप से जानता नहीं होगा। तो उसने कहा, सुनो सुनो, आज तो बड़े खुश लग रहे हो, ये गधे को क्या पहना के रखे हो? अरे वो मिल गया मुझे ये पत्थर वहां नदी किनारे। अच्छा, बहुत बढ़िया पत्थर, अच्छा एक काम करो, मुझे दे दो और 10 रुपये ले लो। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं बेचने वाला हूँ 10 रुपये में, मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसको मैं क्यों बेचूंगा, नहीं बेचने वाला हूँ, मैंने गधे पहनाया है। वो दोनों क्रॉस किए, वो उधर रास्ते चले गए। उधर जौहरी के मन में हुआ कि देगा कैसे, नहीं अभी थोड़ी देर में लौटता हूँ घर और इनको 150,000 रुपये दे करके ले लूँगा, क्योंकि मुझे पता है इसकी कीमत कितनी है। और जब तक वो घर के किनारे आया गधा लेकर के, एक दूसरा जौहरी देख लिया, उसने कहा अरे वाह ये तो कीमती है, घर के अंदर चला गया, ये भैया सुनो वो पत्थर है ना वो मुझे दे दो, और तुरंत निकाला 1,000 रुपये उनके हाथ में थमा दिया। उस बेचारे को कभी 1,000 रुपया मिला नहीं रहा होगा, अरे वाह 1,000 रुपये, तुरंत पत्थर को थमा दिया, उनको हीरे को जो भी था उसको। लौट करके अब वो आदमी आया, पहले वाला जौहरी, उनके घर घूम करके, अच्छा काम करो तू 500 रुपया ले ले, दे दे मुझे उसे। उसने कहा वो तो बिक गया। उसने कहा बिक गया, वो कहते हैं ना धरती, पैर के नीचे की धरती सरक गई, कैसे बिक गया वो, कौन ले लिया, कितने में बेचे? 1,000 रुपये में। अरे तुम तो ठगा गए, तुम महामूर्ख हो, लूट गए, उसकी लाखों कीमत थी। बड़े इत्मीनाने हो करके वो गधा का मालिक क्या कहता है बताओ, मैं मूर्ख हूं कि तुम मूर्ख हो बताओ? मैं तो जानता नहीं था, मुझे 1,000 रुपये मिले बहुत हो गए, तुम तो जानते थे लाख की कीमत थी, फिर 10 रुपये कीमत कैसे लगा रहे थे? मूर्ख कौन बना, समझ रहे ना?
हम यदि कबीर विचारों को जानते हैं और फिर भी वही करते हैं जो नहीं जानता है वैसे, तो फिर मूर्ख कौन है? क्या कहना चाहता हूं, समझ रहे ना? कौन है? या तो जीवन बदले या तो फिर ये ढोंग करना बंद कर दे, मैं कबीर का अनुगामी हूं। सीधी सी बात है, मैं यदि साधु का कपड़ा पहन करके साधुता पथ पर न चलूं, कबीर के विचारों के अनुसार जीवन न जीऊं, तो फिर ये समाज का दायित्व है कि मेरा कपड़ा उतरवा दे। क्यों? क्योंकि मैं उसका काम ही नहीं कर रहा हूं, कबीर के संदेश को नहीं भेज रहा हूं। तो कबीर का संदेश मेरे भीतर आए, मैं इस पर बहुत विस्तार करने वाला नहीं हूं, थोड़ी सी बात यह कहना चाहता हूं, कबीर ने जो मुख्य रूप से जो विचार दिए हैं, संदेश दिए हैं, जो शायद हम लोग के काम के हो, उसके मुख्य मुख्य बातों को बताऊं। वो पहली बात क्या है उनकी? पहली बात उन्होंने कहा है जो हम लोग को जानने जैसा है कि ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, वह कहीं बाहर नहीं है। दो प्रकार के विचार, एक तो कि ईश्वर बाहर है, या कहते हैं ना कण कण में, गुरुदेव कबीर क्या कहते हैं, कण कण में नहीं है, घट घट में है। ये अंतर को समझे, एक है बाहर कण कण में, बाहर व्याप्त, और दूसरा है घट घट में। कबीर क्या कहते हैं, घट घट में। सभी समझ रहे हैं ना, घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, और घट घट में वह साई बसतु है, कटु को वचन मत बोल रे। मैंने कल भी कहा था, दिल मा खोज दिलही मा खोजो, यह करीमा रामा। दिल में है वो, अंतर है। इस भेद को समझो कि जिस ब्रह्म और परमात्मा और सत्य को बाहर खोज रहे हो, वो कहाँ है? आपके दिल में। साहेब की पंक्ति बहुत विश्व प्रसिद्ध है, कहना चाहिए। कौन सी? पानी में मीन पियासी, मोही सुन सुनी आवय हासी हासी। और कितनी बड़ी बात कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई जाओ ढूंढो बाहर। और ये भी अब बात आती ना, मोर हीरा हेराएगे कचरे में, अब कोई ढूंढे पूरब, और क्या क्या, कोई ढूंढे पानी पथरे में। गजब हो गई बात। और ये बात कह करके भी हम पथरा में सिर पटके और क्या करें, कबीर के विचारों को जान रहे हैं। वो तीर्थों में घूमने की सलाह कबीर साहब ने नहीं दी है। आप सोच लो कि तीर्थों में घूमो और किसी नदी में नहाओ, उससे आपका कल्याण होगा, ये संदेश नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा है असली क्या है, तीर्थ तो समझ लो ये सत्संग ही तीर्थ है। किसी संत ने कहा, कबीर के विचार तो नहीं है, उन्होंने कहा कि तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत्संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। तीर्थ कौन? जो पाप से तारे। और मैं शुरू दिन एक उदाहरण सुनाया था, गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलता है, शरीर धुलेगा मन का मैल नहीं धुलेगा। लेकिन यहां पर क्या है, तीर्थ का मतलब तीर्थ वही जो कि पाप से तारत। पाप कहां है? जो मैंने कहा पाप वही मन मध्य विकारा, जो मन में विकार है वही पाप है। और मैं कल विस्तृत रूप से इस पर चर्चा की है, अंतस अंतस कैसे झाड़ू लगाएं, कैसे साफ करें, इस पर मैंने कहा है। आज समय मिले फिर भी कहने वाला हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप में आपके भीतर। जो आपके बाहर है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके भीतर, क्योंकि वो नहीं है तो सब बाहर बेकार है, सब बेकार है। तो और पाप कौन सा है, जो मन मध्य विकारा। और कितनी अच्छी बात कहते हैं, सो सतसंगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। इसीलिए साधु संगत की बात साहब कहते हैं। तो बात यहां पर यह थी कि एक है लोगों का मानना कि वो बाहर कणकण में है, कबीर का मानना है वो घट घट में है। और इसीलिए उन्होंने किसी जीव की हत्या के लिए अलाउ नहीं किया,
प्रारंभ से देखो, बाहर जो कण कण में मानने वाले, जर्रे जर्रे में मानने वाले लोग देवी देवताओं के नाम पर, बलि और कुर्बानी के नाम पर प्राणियों की हत्या करते रहे। आज भी कहीं कहीं होता है, आश्चर्य है कि नहीं है? आज भी किसी देवी के मंदिर में किसी बलि और कुर्बानी के नाम पर पशुओं को काटते हैं। कबीर साहब जी ने कहा कितनी अच्छी बात, और उन्होंने किसी एक प्राणी की वकालत नहीं की है कि चलता नहीं है गोवध बंद। मैं चाहता ही हूं कि गाय की हत्या न हो, लेकिन केवल गाय की हत्या के लिए वकालत क्यों करते हो? बकरा, भेड़ा और मुर्गा, उसके अंदर भी तो वही आत्मा है। कबीर की पंक्ति सुनो, उन्होंने क्या कहा है, जीव मत मारो बापुरा। उन्होंने नहीं कहा कि अमुक अमुक प्राणी को बचाओ, क्या कहा, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। साफ हो गया ना, अर्थ बताने कोई जरूरत नहीं है। साहब ने क्या कहा है, जीव घात ना कीजिए बहुर लेत वह कान, तीरथ गए न बाची हो कोट हीरा देहु दान। पाप करके आप स्नान करने कहीं जाओगे, साहब क्या कहते हैं, कोट हीरा देहु दान, तीरथ गए न बाची हो, इसका मतलब है पाप मत करो, हत्या मत करो। ये साहब का संदेश है। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं घट घट में है, घट घट में कितना अंतर पड़ जाता है। बाहर मान करके मारे चले जा रहे हो, कण कण में कहते तो उसके अंदर भी तो जिसको मार रहे हो, लेकिन साहब का संदेश वो घट घट में है बस। और किसी देवी देवता को वो आकाश में नहीं मानते, ये समझ लो आप, किसी भी प्रकार की देवी देवता को आकाश में है, किसी मंदिर में है, किसी अमुक स्थल पर है, ये साहब ने नहीं कहा है। कबीर साहब ने कहा है ये जो प्राणी दिख रहे हैं ना, खास करके मनुष्यों के रूप में, यही देवी और देवता हैं। ये जितने नर हैं वो सब देवता हैं, और जितनी नारियां हैं सब देवियां हैं। इनको देवी मानो, इनको देवता मानो, और यदि इनमें ये भाव जग जाए ये देवता हैं, ये देवी हैं, छल कपट होगा, धोखाधड़ी होगी, उनको दुखी करने का भाव होगा, नहीं होगा, मानते ही नहीं। सच कहो तो बाहर मंदिर बना करके जा करके पूजा कर लेंगे, आधा घंटा, एक घंटा, दो दो घंटा, या घर में ही मंदिर बना के पूजा कर लेंगे, लेकिन घर वालों के साथ में जो लड़ाई झगड़ा, जो गाली गुप्ता, अभी तो आप पूजा करके आए थे, सोचो जरा से, आप ये सोचो पूजा करने का मतलब क्या हुआ, भीतर में आपके भीतर विनम्रता आ जाए। पूजा, मैं एक बात और पूछा करता हूँ, पूजा आप किसके लिए करते हैं? मान लो कोई राम का उपासक हो, कृष्ण का हो, शिव का हो, कबीर का हो, बुद्ध का हो, किसी का हो, नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी को आपने इष्ट माना और आपने उसकी पूजा शुरू कर दी, पूजा आप किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? क्या हम कबीर के लिए पूजा करते हैं? क्या राम के लिए पूजा करते हैं? उन्हें कोई कमी थी जिसके लिए पूजा करें, उनकी कमी पूरी हो जाए? नहीं, पूजा किसके लिए करते हैं? अपने लिए। पूजा किसके लिए करते हैं? अपने लिए। और अपने लिए पूजा करने का अर्थ क्या है? चित्त की शुद्धि, मन की पवित्रता, इसी के लिए तो है, इसी के लिए हम पूजा करते हैं। और वह पूजा करके जब हम जाते हैं किसी मंदिर में, या हम कबीर साहब की हम याद करके, या उनके विचारों को पढ़ते हैं, और भाव जगता है, क्या जगता है? विनम्रता का। क्योंकि उन्होंने कहा है ना, सबते लघुता भली, लघुता से सब होए, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवै सब कोय। मुझे विनयी होना है, विनम्र होना है, शांत रहना है, इस प्रकार से, और किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। घाव काही पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है? घाव काही पर घालो, किसे चोट पहुंचाऊं, जहां देखता हूं वही तो मेरे प्राण प्यारे हैं, किसको चोट पहुंचाऊं?
तो आप जिसको आप चोट पहुंचा रहे हो, चाहे वो बोल करके, चाहे करके, चाहे सोच करके, इसका मतलब है आप उसे अपना प्राण प्यारा नहीं मान रहे हो, आप उसको दुश्मन की तरह देख रहे हो, विरोधी की तरह देख रहे हो। साहब कहते हैं बदल दो। आप जब किसी पूजा में बैठे, इसका मतलब है आपने पवित्रता को विकसित किया है, विनम्रता को विकसित। यदि आप मंदिर में जाके विनम्र होते हैं, भी नहीं होते हैं, तो घर में आकर के विनम्रता कहां चली गई? असली मंदिर तो घर है, असली जरूरत यहां है। धर्म की आवश्यकता मंदिर में नहीं है, धर्म की आवश्यकता है आपके घर में, परिवार में चाहिए, अपनों के बीच चाहिए। जैसे आप किसी संत आश्रम में गए, यहां यहां है, कुछ भी हुआ, तो कभी कभी संत ने डांटा किसी बात को लेकर के, आप क्या करेंगे? संत हैं, ठीक है, उनका अधिकार है, कोई बात नहीं है, आप नाराज नहीं होंगे, कुछ नहीं। अब देखो कितनी बड़ी बात हो गई, आप कितने सहनशील, विनम्र और धैर्य हो गए हैं। अब जो विनम्रता आपके भीतर आई है, तो वहां काम कहाँ लेना है उसका? वो घर में काम लो, उसका उसका उपयोग करो। मतलब जब आप मंदिर गए, जब आप पूजा स्थल गए, जब आप संत आश्रम गए, और आपने जो अच्छाइयां ग्रहण की है, वो अच्छाइयां दूसरों में बांटो, इसी के लिए है वो। जैसे आप धन कमाते हैं, कार्य क्षेत्र में जाते हैं, धन कमाते हैं, और धन ला करके फिर क्या करते हैं? बच्चों को देते हैं, ले बच्चों पुस्तक ले लेना, लो ऑफिस का पैसा, अपना स्कूल का फीस जमा कर लेना। पत्नी को देते, ले सब्जी भात दाल जो भी लेना हो आपको ले लेना, बिजली बिल, वो सबको लुटा रहे हैं। क्यों? आपने कमा के लाया है ना। कोई भिखारी आया, लो आज तो कमा के आया हूं, 10 रुपये तू भी ले ले। कमा के लाते हो तो सब में बांटते हो। जब आप धर्म स्थल में जाकर के कमा के आते हो, तो क्या वहां झगड़ा कमाने गए थे, कटुता कमाने गए थे? एक बात याद आई, एक संत एक गांव में गए थे, और भी रहे संत साथ में, एक ही नहीं थे, तो सच्ची बात है, गांव का भगत, अच्छे भगत, प्रसिद्ध है, उनसे मिलने गए, बातचीत होती रही। फिर अंत में उन्होंने क्या कहा कि महाराज जी, आप तो जानते हैं मैं बहुत लंबे समय से सत्संग से जुड़ा हूँ, आप लोगों के पास आता जाता हूँ, जहाँ सत्संग होता है जाता हूँ, जहाँ साधना होती साधना करने भी जाता हूँ, घर में बैठता हूँ, पुस्तक भी पढ़ता हूँ, समय समय से दान दक्षिणा भी करता हूँ, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन महाराज जी क्या बताऊँ, मेरे बेटे सत्संग से कोई रुचि ही नहीं रखता, सदग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है, जहाँ सत्संग होगा जाता ही नहीं है। महाराज जी एक काम करिए, मैं एक निवेदन है मेरा, आप मेरे घर आएँ, थोड़ी देर बैठें, स्वल्पाहार भी हो जाएगा, आप मेरे बेटे को समझा दीजिए, क्योंकि मेरी बात तो मानेगा नहीं, आपकी बात तो मान सकते हैं। संत ने कहा ठीक है, आऊँगा, समय दिए, आए, और उसके पश्चात उसने क्या कहा, अपने बेटे को भेजूँ महाराज? हाँ भेज दो। वो अलग चले गए, कमरे में उनका बेटा आया, उसने कहा बेटा बहुत अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, पिताजी तुम्हारे कितने अच्छे हैं, देखो वो सत्संग से जुड़े हुए हैं, संत सेवा करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। बेटा लेकिन आप क्यों नहीं जाते हो, आपको भी जाना चाहिए। उसने कहा महाराज जी ये बात सच है कि पिताजी इस प्रकार सत्संग से जुड़े हैं, लेकिन एक पक्ष और है उनका, आपको बताना चाहता हूँ। वो निश्चित रूप से सत्संग से जुड़ते हैं और जाते रहते हैं सत्संग में, लेकिन घर में सबसे ज्यादा झगड़ा पिताजी ही करते हैं। क्या कहा? सबसे ज्यादा झगड़ा पिताजी ही करते हैं, और मैंने सोचा जब सत्संग में जाकर के झगड़ा ही सीखना है, तो दुनिया बहुत बड़ी, वहां सीख लूंगा, क्योंकि तो वही से सीख के आते होंगे। महात्मा जी बहुत परेशान हुए, कहा उन्होंने कहा देखो बेटा बात हो सकती है आपकी सही हो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपके पिताजी सत्संग में जाते हैं तो इस प्रकार लड़ाई झगड़ा करते हैं, अच्छा न जाते तब क्या होता है, इसको सोचो जरा से, क्योंकि उसका भी तो एक पक्ष है। लेकिन यदि वो उस गलती करते नहीं समझते हैं और सुधार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? आप करो साहब, जो आप पिताजी से अपेक्षा कर रहे हो वो काम आप करके दिखाओ। ये बातें कही और फिर वो चला गया लड़का। थोड़ी देर के बाद वो पिताजी फिर आए, उनको कुतूहल था ना, लड़के को समझाया होगा, क्या रिस्पांस मिला। गए वो महात्मा जी के पास में,
उन्होंने कहा कि महाराज जी बेटा से कुछ बातचीत हुई? हाँ हुई, तो कुछ समझाए होंगे आप? उन्होंने कहा बेटा को नहीं समझाना है, समझाना तुम्हें है। सीधे महात्मा ने कहा समझाना तुम्हें है, तुम ये बताओ जब बच्चे इतने बड़े होकर के कार्य व्यवहार संभाल रहे हैं तो फिर इस प्रकार से झगड़ा लड़ाई क्यों करते हो, क्यों इंटरफेयर करते हो उनके काम धाम में, क्यों परेशान करते हो एक एक चीज को लेकर के? ये थोड़ा ठोस रूप में जब संत ने कहा वो चुप हो गए और स्वीकार किए, सही है ये मेरे में गलती है, मुझे शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, लेकिन मैं पता नहीं क्यों ऐसा करता हूँ, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। सोचो जरा से, आप सत्संग से जुड़े तो क्या यही काम, मैंने क्या कहा, जब आप धर्म स्थल में गए, चाहे वो सत्संग वो धर्म स्थल ही तो है, चाहे मंदिर में, चाहे आप कबीर की ही आप चित्र मूर्ति रख करके पूजा आराधना किए, तो आपने क्या इकट्ठा किया अपने दिल में? विनम्रता, पवित्रता, यही तो इकट्ठा किए हैं, तो क्या वो बांटने का नहीं है? यदि आप दूसरों को वह व्यवहार नहीं दे पा रहे हैं, इसका अर्थ है आपने उसे कमाया ही नहीं है, संग्रह ही नहीं किया है। इसलिए आवश्यकता है कि बाहर देवी देवता की जरूरत नहीं है, भीतर मानो, मतलब हर प्राणी में देवी देवता के रूप को रूप देखो। और उनकी पूजा क्या होगी? उनकी पूजा है उनके साथ सुंदर व्यवहार, उनकी पूजा वही है कि उनके साथ सुंदर व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना, यही उनकी पूजा है। और व्यवहार का मतलब कम से कम ज्यादा कुछ न कर सको तो इतना कर सको आपके द्वारा दूसरों को कष्ट न हो, तकलीफ न हो, बस ये ध्यान रखना शुरू कर दो, अहिंसक बनो। इतना तो बन सकते हो कि मेरे द्वारा मेरे मन वचन कर्म से दूसरों का अहित ना हो, और अच्छा क्या होगा, मेरे मन वचन कर्म से जितनी मेरी शक्ति है दूसरों का भला हो। देखिए आप दूसरों का भला पूरा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप धन तनख्वाह पाके आए और घर घर बांटते चले गए, लो 10 रुपया तुम भी करके, और घर आ तक आए खाली, ऐसा नहीं हो सकता है। भावना है आपकी सब सुखी हो, सब बढ़िया हो, तो क्या करना है उसके लिए, भावनात्मक रूप से आप कह सकते हैं सबका भला हो, सबका भला हो। ये ना सोचो कि उनको तकलीफ मिले, ये कभी मत सोचना, किसी की बढ़ोतरी को देख करके ईर्ष्या नहीं करनी है। ठीक है उनकी योग्यता थी, उन्होंने विकसित किया है, काम बढ़ाया है, आमदनी हुई है, मैं योग्यता बढ़ाऊंगा तो मैं भी कुछ पा सकता हूँ, ईर्ष्या की क्या जरूरत है, वो तो अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए, ये भाव जगना चाहिए, यही तो बदलाव है। और हम अनावश्यक उन चीजों को लेकर के परेशान हो रहे हैं, नहीं, यहाँ तक एक हमारे कबीर पंथ के बहुत अच्छे संत, बहुत बड़े संत कहना चाहिए जो हम लोग जानते हैं, वो हैं सदगुरु श्री विशाल साहेब जी, आप लोग शायद कम जानते होंगे, लेकिन उनकी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उनमें एक पंक्ति उनकी आई हुई है, उस पंक्ति उसमें आया है कि दुख देने के भाव को दिल से दे निकारी। ख्याल करो जब आप अकेले बैठे हो तो किसी के प्रति बदले का भाव न जगे, घृणा का भाव न जगे, नफरत का भाव न जगे, क्या जगे, प्रेम का भाव जगे, मैत्री का भाव जगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये जग रहा है घृणा, द्वेष, नफरत, मैंने कल ही तो कहा था शायद कि ये मानसिक जहर है, मानसिक जहर, और आप अपना भयंकर नुकसान कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि आप जहर पान कर रहे हैं। जब तक ये घृणा है, द्वेष और नफरत है, इसका मतलब आप जहर को आप बढ़ाए चले जा रहे हैं, नहीं ये बदलना है। ये कोई असंभव काम नहीं है, ध्यान दो, ये कोई असंभव नहीं है कि मैं तो गरीब आदमी हूं ऐसा कैसे कर सकता हूं। अरे गरीब आदमी होकर के जब घृणा कर सकते हो तो गरीब आदमी होकर छोड़ भी सकते हो। कई लोग क्या कहते हैं कि मैं तो अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, ऐसे कैसे करूंगा, मैं अपने जीवन को सुंदर कैसे बनाऊंगा। मैंने कहा देखो जीवन को सुंदर बनाने के लिए पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कह सकता है मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मैंने बीड़ी पीना सीख गया। मैं कहता हूं, निवेदन करता हूं, आप बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना शुरू कर सकते हैं तो बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना छोड़ भी सकते हैं, असंभव है, समझ रहे ना।
आप बिना पढ़े लिखे गाली देना शुरू कर सकते हैं तो बिना पढ़े लिखे गाली देना छोड़ नहीं सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, जिस रास्ते से आप यहां तक आए हैं घर से, उस रास्ते से आप लौट भी सकते हैं। बहुत पहले प्लेटो ने कहा था कि जिस काम को करने की ताकत हम में है, उस काम को न करने की ताकत भी हम में है। सही है ना? क्योंकि कोई शक्ति है जो काम कर रही है क्रोध के लिए, भीतर की एक शक्ति है जो नफरत के लिए काम कर रही है, घृणा के लिए काम कर रही है। बस उसी शक्ति को दिशा बदलना है, मार्गांतरीकरण। साधना क्या है? मार्गांतरीकरण। बस पहले उस दिशा में, अब वही शक्ति को आप बदल दिए। अब वही शक्ति है जो अभी तक क्रोध, अब वही शक्ति को कहां लगा दिए? क्षमा। आप सोचिए इस चीज को, क्षमा करने लग गए। देखिए एक चीज बताऊं, प्रसंग है बताऊं, थोड़ा समय है, कि आप क्रोध कब करते हैं? कभी कभी लोग आते हैं कि कहते हैं कि मुझे क्रोध बहुत आता है। मैं कहता हूं अच्छा दिखाओ क्रोध, दिखाओ क्रोध। तब हंसते हैं, ऐसा थोड़ी दिखाया जाता है क्रोध, भाई होता कैसे है? जब हमारे मन की प्रतिकूल कोई परिस्थिति बनी, हमारे मन के अनुसार नहीं हुआ, हमें क्रोध आता है। आता है, आपने बेटे से कहा अमुक काम कर दो, नहीं किया, बस नाराज। अमुक से कहे ये काम करो, वहां ये वहां चले जाओ, नहीं गया, ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ, तभी तो क्रोध हुआ। क्रोध कब आया? जब कोई गलत करे, दूसरों की गलतियों को देखकर हम क्रोधित होते हैं। मेरा एक प्रश्न है, आप क्षमा कब करते हैं बताओ? समझ रहे हैं? क्षमा आप कब करेंगे? क्षमा करने का अवसर कब है? क्या आप, ऐसा हो सकता है कि आप रास्ते रास्ते जा रहे हो और एक आपका पहचान वाले या मित्र मिला और उसने कहा या नमस्ते या साहेब बंदगी, और फिर क्या कहते हैं आप, मैं आपको क्षमा करता हूं? वो क्या कहेगा? काहे की क्षमा कर रहे हो? मतलब क्षमा करने के लिए भी तो कोई कारण चाहिए, क्रोध के लिए कारण चाहिए, क्षमा के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आप देखेंगे तो जिन कारणों से आप क्रोध कर रहे हैं वही क्षमा भी अवसर है। ये अद्भुत है। क्षमा आप कब करते हैं? जब किसी की गलती होती है, किसी की गलती होती तब आप क्षमा करते हैं। आपके भीतर में क्रोध भी है, आपके भीतर क्षमा भी है। महत्वपूर्ण क्या है? आप किसे उद्घाटित कर रहे हैं, किसे बाहर निकाल रहे हैं? जिससे आप बाहर निकालेंगे वो आपके जीवन में छा जाएगा, फैल जाएगा, आपके जीवन का हिस्सा हो जाएगा, और जिसे आप प्रयोग नहीं करेंगे ना वो भीतर ही रह जाएगा। ये आप जान लीजिए, जिस शक्ति का आप प्रयोग नहीं करते हैं उस शक्ति को खो देते हैं। क्या कहा मैं? जिस शक्ति का आप प्रयोग नहीं करते हैं उस शक्ति को आप खो देते हैं। एक आदमी था, गाय रखा था और गाय से दूध निकालता था, तो दूध कितना होता था? छत्तीसगढ़ है इसलिए कहता हूं, यदि मैं हरियाणा होता तो कुछ दूसरा कहता, 1 लीटर, इतना ही तो कहा जाएगा ना। 1 लीटर वो रोज दूध निकालता था। 1 महीने के बाद में बेटी की शादी थी, 1 महीने के बाद में बेटी की शादी थी। उस आदमी ने सोचा अभी तो बहुत दूध की बहुत जरूरत है नहीं है, 1 महीने के बाद जब मेहमान आएंगे तब तो दूध की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो एक काम करता हूँ आज से मैं गाय से दूध निकालना बंद कर देता हूँ ताकि 1 महीने के बाद में पूरा 30 लीटर मिलेगा। और उसने दूध धोना बंद कर दिया और 30 दिन जब बीते तो बड़ा सा बर्तन लेकर गया, आज तो 30 लीटर दूध निकलने वाला है। समझ गए कितना मिला होगा? 1 बूंद भी नहीं मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ? यही तो कह रहा हूँ ना, जिस शक्ति का आप उपयोग नहीं करते हैं उस शक्ति को आप खो देते हैं। मैं दूसरा उदाहरण बताऊं, देखो मेरा हाथ है, करने की ताकत है, लेकिन इसी हाथ को मैं ऐसे पीछे रख के बांध दूं, 1 महीना 2 महीना साल 2 साल 4 साल 5 साल बांधा रहूं,
10 साल बांधा रह गया, अब उसके बाद निकालूंगा तो क्या आज जो मैं कर रहा हूं क्या उस योग्य रह गए? शक्ति चली गई। आप में क्षमा करने की शक्ति है, प्रेम करने की शक्ति है, और मैंने कहा क्या कहा, क्रोध की भी शक्ति है। उपयोग किसका कर रहे हो, किसका उपयोग कर रहे हैं? जिस शक्ति का आप उपयोग करते हैं वो शक्ति बढ़ती चली जाती है। क्या कहा मैं, जिस देखो एक चीज फिर बताऊं, शक्ति अदृश्य होता है, शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन शक्ति दिखाई तब देती है जब आप उसका प्रयोग करते हैं। जैसे अभी आप लोग यहां बैठे हैं, मैं एक बात पूछूं, आप लोग चलना जानते हैं, चल सकते हैं, आप लोग चल सकते हैं, कहां है दिखाओ, कैसे चल सकते हैं? हम नहीं मानते चल सकते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा, जब आप चलने लगेंगे। चलने की शक्ति आपकी अव्यक्त है, लेकिन जैसे चले चलने की शक्ति प्रकट हो गई, वो एक्टिवेट हो गए ना, कहने का मतलब वो अभी क्या है, अभी वो पैसिव मोड में है, अब क्या हो गया, एक्टिव मोड पर। तो चलने की शक्ति कब होगा हमारे भी, मैंने कहा क्रोध की शक्ति है, लेकिन कब, जब क्रोध किए वो शक्ति प्रकट हो गई। और जितनी बार आप करेंगे, जैसे आपको चलने की शक्ति बढ़ानी है, डॉक्टर ने कहा रोज कम से कम 5 किलोमीटर चलो, हार्ट का प्रॉब्लम है या कोई और शुगर है, जो भी कहा उसने, और आपने माना, और बात तो सही है, वॉकिंग तो चाहिए ही। तो सुबह आपने उठा और चला, कभी तो चले नहीं थे, 1 किलोमीटर चलने के बाद कहते बस मैं थक गया नहीं चल पाऊंगा, डॉक्टर ने 5 किलोमीटर कहा है, अब क्या करूं। बैठे बैठे आपकी चलने की शक्ति नहीं बढ़ेगी, यदि चलने की शक्ति को बढ़ाना है तो और चलो, अगले दिन और चलो, अगले दिन जितनी बार आप चलेंगे तो चलने से चलने की शक्ति बढ़ेगी, पढ़ने से पढ़ने की शक्ति बढ़ेगी, त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ेगी। जिस गुण को आप प्रयोग, जिस अवगुण का प्रयोग ज्यादा करेंगे, अवगुण आपके जीवन में छाता चला जाएगा, और जिस सद्गुण का आप प्रयोग जीवन में ज्यादा करेंगे वो आपके जीवन में जीवन का हिस्सा होता चला जाएगा, और वो बार बार फिर आप बड़ी सरलता से, सरल बात कहूं, जिसका आप अभ्यास करते हैं उसे आप सरलता से कर पाते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। एक उदाहरण बताऊं, एक आदमी था तीरंदाज, तीर चलाता था, अच्छा केवल तीर नहीं चलाता था, उससे अपने कला का प्रदर्शन भी करता था। माइक वाले हैं क्या, थोड़ा ट्रेवल कम करो, थोड़ा स्पीच बढ़ाओ। तो तीर चलाता था, पहले तो शुरुआत छोटी शुरुआत की, अपने तीर एक कहीं ऐसा टारगेट बनाता था गोल, और यहां से तीर चलाता था और सीधे वो निशान में जाता था, बीचों बीच टारगेट में। तो एक बार वो बड़ी जगह में, जैसे इस प्रकार की जगह, इस प्रकार लोग बैठे रहे, और वो अपना प्रदर्शन कर रहा था तीर का, चलाने का निशानाबाज था वो, तो वहां से वो चलाया तीर और सीधे जाकर के बिल्कुल गोले के बीच में, मतलब एकदम सेंटर पॉइंट पर जाकर के वो तीर लगा। तो स्वाभाविक रूप से दूर से इतना तीर चलाना, वहीं लगना जहां वो चाहता था मारना, तो सब लोग ताली बजाए। जब सब लोग ताली बजाए तो पीछे एक आदमी बैठा था, उसने क्या कहा, इसमें कौन बड़ी बात है, ये अभ्यास का मामला है। उसने सोचा ये कैसे बोल रहा है कोई। उसके बाद फिर तीर चलाया, फिर वहीं बिल्कुल बीचों बीच जाके लगा, फिर ताली बजी, वो आदमी फिर बोल पड़ा, इसमें कौन बड़ी बात है, अभ्यास का मामला है। ऐसा कई बार जब तीर चलाने के बाद उसका काम खत्म हुआ, चलाने वाला प्रदर्शन पूरा हुआ, और वो उनके पास गया तीर चलाने वाला, आप ही बोल रहे थे, हाँ हाँ मैं भी बोल रहा था, अच्छा तुम चला के दिखाओ, नहीं मैं नहीं चला सकता हूँ, तो फिर बोल क्यों रहे थे, मैं तो सही कह रहा था कि ये अभ्यास का मामला है। अरे ऐसे बोलने वाले बहुत होते हैं, करो तो पता चले। उसने कहा अच्छा आप मेरा कुछ देखेंगे क्या, हाँ दिखाओ चलो, अच्छा ले गए। वो काम तेल का करता था, बड़े बड़े कैन में तेल आता था, और उसको क्या करता था, वो बोतल होता ना शीशे का बोतल, तो छोटा छेद होता था, तो केन को ऐसा उठाता था ऊपर, और वहां से जो पतली धार निकलती थी और उस बोतल में वो डालता था, 1 2 3 कई बोतल भर डाले, केन खाली कर दिए भर भर के, और ऐसा एक बूंद भी तेल बाहर नहीं गिरा।
तीर चलाने वाले भी सोचा बात तो सही है, तो उसने क्या कहा, अच्छा आप करके दिखाओ वैसा जैसे मैंने किया है वैसा करके दिखाओ। नहीं मैं तो नहीं कर सकता था, मैं तो वही कह रहा था ना आपने तीर चलाने का अभ्यास किया इसलिए आप तीर चला पाए सीधे निशाने पर, मैंने तेल भरने का अभ्यास किया इसलिए मैंने तेल भरा। ये कहानी उदाहरण है। संदेश क्या है? संदेश है जिसे आप ज्यादा अभ्यास करते हैं, जिसका अभ्यास होगा वो आप सरलता, यदि आप क्रोध का अभ्यास किए रहेंगे तो आप क्रोध को सरलता से कर पाएंगे, फटाफट छोटी सी गलती किसी देखेंगे क्रोध निकल पड़ेगा, अधैर्य असहनशीलता ये उसी का अभ्यास है। लेकिन यदि विनम्रता का अभ्यास किया है आप बहुत जल्दी हो पाएंगे, यदि आपने सहनशीलता का अभ्यास किया है, क्षमा का अभ्यास किया है वो जल्दी आएगा। देखो अपने जीवन में आप किसका अभ्यास किए हुए हैं, आप किसका किए हैं। हम सभी यदि झांकेंगे ना बहुत जल्दी झुंझला जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, थोड़े में हम बस उबलने लग जाते हैं। क्यों? उसी का अभ्यास हो रहा है रोज, बहुत जल्दी अभ्यास कर, बहुत फटाफट वही हो रहा है, शुरू से देख रहे हैं, शुरू से संस्कार बने हुए हैं। लेकिन अब बदलना है, ये ध्यान देखो, मैंने कहा था ये असंभव नहीं है बदलना। आप ये मन बांध, जैसे मैंने कहा अभी प्रवचन किया और आपको लगता बात तो सही है, लेकिन भीतर से क्या आवाज आती है, मैं नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ी समस्या मैं बता रहा हूं आपको, ये टर्निंग पॉइंट है यदि आप समझ सके तो, जहां भीतर से एक आवाज उठी मैं नहीं कर सकता, बस वही पकड़ लो और क्या कहो, मैं कर सकता हूं। ये हमेशा ध्यान रखो, मैं क्यों नहीं कर सकता, यदि किसी ने कभी ये काम किया है तो फिर मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। क्योंकि जो योग्यता, देखो प्रकृति जो है ना कुदरत, ये कभी पक्षपात नहीं करती, आप लोग को समझे, प्रकृति कभी भी पक्षपात नहीं करती है। जो शक्ति बुद्ध को मिली थी वही शक्ति हमें और आपको भी मिली है, जो शक्ति महावीर को मिली थी, कबीर को मिली थी, वो शक्ति आप और हमको भी मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि वो बुद्ध कर पाए, ईसा मोहम्मद कर पाए, कबीर कर पाए, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? ये सच है कि आप कबीर की तरह रचना नहीं वैसा प्रचार कर सकते, नहीं वैसा संदेश दे सकते हैं, लेकिन वैसा मन बना सकते हैं, वैसी स्थिति ला सकते हैं। आप बुद्ध सरीखे आप उतना प्रतिभावान नहीं हो सकते हैं, लेकिन बुद्ध वाला मन, देखो मन तो सबका वही है। आपको सोचो, आप सोचते हैं ना तब अलग अलग होते हैं आप, लेकिन सोचना बंद होता है तो सब एक हो जाते हैं। कबीर साहब जी ने कहा ना, समझे की गति एक है जिन समझा सब ठोर, कहां ही कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जितने समझदार हैं एक, गुरुदेव जी एक उदाहरण दिया करते थे, जैसे मुझे तो अवसर ही नहीं मिला कि मैं ध्यान के बारे में भी बताने का मन था कि ध्यान कैसे करना चाहिए। आप लोग जानते करते नहीं करते, मेरा निवेदन है कि सबको करना चाहिए, सबको ध्यान करना चाहिए, सबको। अब आप कहेंगे लगता ही नहीं, तो भी करो, तो भी करो, क्योंकि आप जो नहीं जानते हैं और उसे करने लगते हैं और करने लग जाते हैं। फिर जब आप पढ़ते नहीं थे, बच्चे थे, पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते थे, लिखना बिल्कुल नहीं जानते थे, तो जो नहीं से तो हमें आए हैं, अननोन से तो नोन ही होता है, सही है कि नहीं है? बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन क्या छोड़ दिया पढ़ना लिखना? पढ़ते गए, पढ़ना जान गए। चलना नहीं जानते थे प्रारंभ में, लेकिन चलना सीख गए। गाड़ी चलाना नहीं जानते थे, गाड़ी चलाना सीख गए। ध्यान नहीं जानते हो लेकिन करो, पहले गलत ही करो भले, लेकिन करते करते पता, और कुछ भी नहीं पता चलता है ना ध्यान में, तो एक काम करो, ऐसे सीधे बैठ लो, सीधे बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, शांत, और एक भाव से क्या बैठो कि बस इस समय मुझे शांत रहना है। और एक यदि आप नीचे निर्देश दे सको ना, नीचे थोड़ा भीतर निर्देश दे सको, एक चीज का कह लो, इस समय मैं कुछ नहीं करने के लिए बैठा हूं। क्या कहा मैं? करने का मतलब होता है जुड़ाव, करने का मतलब होता है जुड़ाव, फिर से कह रहा हूं मैं, अर्थात कुछ भी किए कि जुड़े, किससे जुड़े? संसार से, सीधी सी बात है। करने का मतलब जुड़ाव, यदि आप कुछ काम किए हाथों से तो जुड़े वस्तु से, कुछ बोले
तो व्यक्ति से जुड़े, कुछ सोचे तो फिर वही प्राणी पदार्थ से जुड़े। कुछ करने का मतलब जुड़ाव, और इसीलिए गुरुदेव जी ने पंक्ति कही है पूर्णतया कुछ न करने की स्थिति ध्यान है। ये बहुत ऊंची की बात, मैं वहां तक नहीं ले जाऊंगा अभी आपको, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप इतना अंदर में तो भाव रखें, मैं कुछ नहीं चाहता। क्या कहना है आपको? इस समय कम से कम आधा घंटा एक घंटा के लिए मैं कुछ नहीं चाहता। बस भीतर कोई बात आई, अरे अभी तो टिफिन बनाना है बच्चे के लिए, क्या कहना एक घंटे बाद, अभी कुछ नहीं चाहता, अभी अमुक को फोन करना था, सारी बातें आने लगेंगी। आप ध्यान देना इस चीज को, ध्यान में यदि बैठे तो आपको क्या कहना है एक घंटे बाद सबको अवॉइड करते जाइए, हटाते जाइए, और क्या कहना है कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, न मुझे देखना है, न सुनना है, खाना है, न पीना है, आना है, न जाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस कुछ भी नहीं करना है। और आप क्या समझ रहे हैं कुछ न करना कोई साधारण बात है? कुछ न करना, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सब कुछ करना है। मैं ये कहना चाहता हूं, क्यों? कबीर साहब की पंक्ति याद है सबको, उन्होंने क्या कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए, याद नहीं है, सोई सहंसा। ये पंक्ति देखो, जिनको कछु न चाहिए, कम से कम एक घंटा या आधा घंटा के लिए कुछ नहीं चाहने की दशा में तो आओ। और ये आधा घंटा एक घंटा जो परिश्रम करोगे कुछ नहीं चाहने की दशा, वो फिर अंत में काम आएगा। क्यों? मौत के बाद तो वही दशा आने वाली है। कल्याण और निर्वाण जो चाहते हो ना, मोक्ष चाहते हो, मोक्ष में कुछ चाहना नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा, वहां महल नहीं होगा आपका, वहां खाना पीना नहीं होगा, वहां सत्संग नहीं होगा, वहां आप अकेले होंगे। क्या आपने अकेले होने का अभ्यास किया, शांत रहने का अभ्यास किया? नहीं किए हैं, सच बताऊं ना, किए ही नहीं। केवल वाणी बस यूं ही चला करता है, हो गया, उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, ढाल ढोल मजीरा बजा दिया, हो गया। अकेले रहने का अभ्यास करो, शांत रहने का अभ्यास करो। अभ्यास के बारे में पता है ना, सबको पता है, करत करत, ये भी सबको पता है, सबको पता है, लेकिन वही करेंगे जो नहीं करना चाहिए, उसका अभ्यास नहीं करेंगे जो सचमुच हमारे जीवन को बदल दे, और वो जो हमारे अंत के लिए काम आए, सदा सदा के लिए काम आए। वो झूठ है जो हम चाहते हैं कि मेरा मोक्ष हो, मेरा कल्याण हो, नहीं है वो कहना, वो चाहना नहीं है, वो दिखावा है। यदि होगा तो अभ्यास करेंगे। कोई भी खिलाड़ी मेडल चाहता है, रिवार्ड चाहता है, अभ्यास करता है। कोई भी संगीत वाला अभ्यास करता है, तब जाकर के वो संगीत में एक्सपर्ट होता है, महारत हासिल करता है। बिना संगीत वाले, पूछो संगीत बजाने वालों को कितना अभ्यास करते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं। चित्रकार को देखो, गाने वाले को, नाचने वाले को देखो कितना प्रैक्टिस करते, तैरने वाले को देखो। अब कितना मैं नाम बताऊं, एक एक नाम बताऊंगा ना, इसी में चार बज जाएंगे, मैं सच बता रहा हूं। इतने उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने अभ्यास के बल पर अपने जीवन को बदल दिया और बहुत बड़ी क्रांति कर दी अपने जीवन में, और हम उसका अभ्यास नहीं करते जो जीवन में चाहिए। न मौन रहने का अभ्यास करते हैं, न शांत रहने का अभ्यास करते हैं, न विनम्र होने का अभ्यास करते हैं, न क्षमा करने का अभ्यास करते हैं, और फिर भी हम कबीर के अनुगामी बने हुए हैं। वो कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में, मैं जानबूझ के कठोर कह रहा हूं, समझ रहे हैं ना, मैं मारना ही चाहता हूं हथौड़ा, ताकि तिल मिलाए थोड़ा से। सबके भीतर वो शक्ति बैठी हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं शक्ति दे रहा हूं क्षमा करना, यहां से कोई शक्ति नहीं दी जा रही है, साहब के भीतर वो शक्ति है। मैं चाहता हूं शक्ति का उद्घाटन हो। कैसे बैठी बताऊं? जैसे आप दूध पिलाते हैं, गिलास में एक गिलास दूध दिए अपने श्रीमान को या किसी को भी दिए, लेकिन आपने क्या किया, उसमें ऊपर से चीनी डाल दिए, शकर, और शकर का स्वभाव है वो नीचे जाके बैठ जाती चीनी, अनुभव है ना, नीचे जाके बैठ जाती चीनी, और जब पीने के लिए दिए तो उनको पता नहीं था, उसने ऊपर ऊपर पी लिया, बस चिट्ठा चिट्ठा कहो फीका फीका उसने पी लिया। लेकिन आपने पहले बता दिया और एक चम्मच दे दिया, समझ रहे हैं, अभी बैठी हुई चीनी को जैसे हिलाए, वो चीनी कहाँ होगी,
पूरा ओतप्रोत दूध में समा गई और दूध का स्वाद बढ़ गया। वैसे ही आपके भीतर ये शक्ति है करने की, क्षमा करने की शक्ति है, विनम्र धैर्य होने की, सारे सद्गुण भरे पड़े हैं, लेकिन कहे बैठी है तली में। यहां से केवल चम्मच दिया जा रहा है, हिलाओ, यहां से चम्मच दिया जा रहा है, हिलाओ उसको, और जैसे हिलाओगे जीवन में क्रांति आ जाएगी। लेकिन हम सब अलसाए बैठे, हे भगवान आप कृपा करो, हे सदगुरु आप कृपा करो। कबीर साहब ने बहुत डांटा ऐसे लोगों को, लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाए, और तहसे जीरा जम लुटे जस मटिया लूठे कसाय। कबीर साहब ने यह भी कहा है कि करु भैया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। न भगवान के भरोसे अपने जीवन को छोड़ो, न भाग्य भरोसे अपने जीवन को छोड़ो, अपना भरोसा, आपका भविष्य आपके हाथ। ये APJ अब्दुल कलाम हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति ना, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी है 3-4, एक पुस्तक मैं बता रहा हूं, आपका भविष्य आपके हाथ। और एक लेखिका हुई है टेरिसा च्यू, आयरलैंड की लेखिका, उनकी पुस्तक है आपका किस्मत आपके हाथ। एक लेखक जिनकी पुस्तक है कृष्ण चोपड़ा की, आपका जीवन आपके हाथ। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लें, जीवन की जिम्मेदारी स्वीकारें। ये कहो मैं अपने जीवन का जिम्मेदार हूं। कौन है जिम्मेदार बताइए, आप निर्णय लेते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं वैसा करूंगा। आप सोचते आप हैं, बोलते आप हैं, करते आप हैं, सारा निर्णय आप ले रहे हैं। अब आपके जीवन की जिम्मेदारी दूसरा कैसे लेगा? आप, केवल आप ले सकते हैं अपने जीवन की जिम्मेदारी। और कितनी, मैंने एक पुस्तक पढ़ी, मन चाहे सफलता कैसे पाए, उसका 25 सूत्र दिए। पहला ही सूत्र उन्होंने, पहला अध्याय क्या लिखा है, जीवन की 100% जिम्मेदारी ले। कितना कहा, मैं सुनना चाहता हूं, कितने प्रतिशत कहा, ठीक से बोलो, ये आवाज जो ना भीतर जाएगी, समझ रहे, इसलिए बोलवा रहा हूं, कितने प्रतिशत, 100%, समझ रहे ना। अब 100% जिम्मेदारी, आप कहेंगे मैं तो अपने जीवन की जिम्मेदारी लिया हुआ हूं। आप क्या कहेंगे, आप जीवन की जिम्मेदारी लिए हैं? उन्होंने कहा शर्त सुन लो पहले, जीवन की जिम्मेदारी लेने का क्या अर्थ है। उन्होंने ये भी कहा है 99 से काम नहीं चलेगा। आप तो कहेंगे 100 में से कोई 33 भी पाता है तो पास हो जाता है, 60 में तो फर्स्ट डिविजन आ जाते हैं, और 75 में तो मेरिट आ गए, और आप कह रहे 99 से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, ये जीवन की बात है, 99 से काम नहीं चलेगा। और यदि आप जिम्मेदारी लेते हैं ऐसा मानते हैं, तो आप सुन लीजिए कि सचमुच क्या है वह। यदि आप जीवन की जिम्मेदारी स्वीकारते हैं, इसका अर्थ है कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, जो कुछ अच्छा बुरा, हानि लाभ, सुख दुख, समृद्धि गरीबी, स्वास्थ्य बीमारी, मान अपमान, जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, इसके लिए मैं किसी दूसरे को दोष नहीं देता और बहाना नहीं बनाता। हम सब बहानेबाज बैठे हैं, चाहे मैं हूं कि आप, सब बहाना बनाने वाले। कहा जाता है थोड़ा सा ध्यान चिंतन होता है, कुछ स्वाध्याय कर पाते हो, सदग्रंथ का अध्ययन हो पाता है, क्या बताएं साहब, समय ही नहीं मिलता। कह रहे हैं ना समय नहीं मिलता है, ये वही लोग हैं जो व्हाट्सएप में समय घंटों लगा देंगे, टीवी देखने में घंटों लगा देंगे, लेकिन जीवन को तराशने में समय नहीं लगाएंगे, जीवन को संवारने में समय नहीं लगाएंगे, उत्थान के लिए समय, बर्बाद करने के लिए समय लगाएंगे, जीवन को, जीवन को विकसित करने के लिए नहीं लगाएंगे। क्यों, किस लिए है समय आखिर में? आपके पास समय है उतना ही समय जितना जो सफल लोग हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या और कोई हो, उतना ही समय है। और आप छोटे से कारोबार को लेकर के अपने निजी जीवन के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, ना अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकाल पा रहे हैं, ना अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, ना मानसिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन बर्बाद होने का काम ही कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, उत्थान वाला काम। तो मैं ये बता रहा था कि आप और हम ये ध्यान देना शुरू कर दें। तो मैंने उसके लिए बता रहा था कि ध्यान करना चाहिए, कहा के
तो अकेले बैठ करके जब आप ऐसे बैठे तो क्या करना है, बस सांस आ रही है जा रही है सांस। अच्छा बताओ सांस चल रही कि नहीं चल रही है, किसकी किसकी नहीं चल रही, जरा हाथ उठाएं, सबकी चल रही है। सांस चलने का मतलब जिंदा होने का प्रमाण, और सांस का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, ये शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला अवयव है, यही है, ये नहीं है तो दोनों अलग अलग। कबीर साहब ने कहा है कि जो लो श्वास रहे घट भीतर तौ लो कुशल परी है गे, कहा ही कबीर जब श्वास निकरी गो मंदिर अनल जरी है गे। ये शरीर रूपी मंदिर को जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। जो लो श्वास रहे घट भीतर तौ लो कुश, इतना बड़ा मित्र है, जन्म हुआ ये नहीं देखेंगे कोला सांवला है कि गोरा है, देखो सांस चल रही कि नहीं चल रही है, महत्वपूर्ण सांस है ना। अच्छा अंतिम समय में क्या देखते हैं, अरे भैया सांस चल रही है भैया अभी मत ले जाओ इनको, अभी तैयारी मत करो, शुरू में सांस अंत में श्वास और जीवन भर सांस। इतने बड़े मित्र जो आपको भीतर भी जाता है भी अंदर और बाहर भी जाता है, उस श्वास की सवारी कर लो, समझ रहे ना, उस सांस की सवारी कर लो ताकि आप भीतर पहुंच सको, जो क्योंकि आत्मा से जुड़ा है ना आखिर में, तभी तो शरीर और आत्मा के बीच का अवयव है, वो जा करके भीतर में आपको अपने आप से मिला देगा। तो क्या करना है, सांस आ रही है जा रही है ध्यान वहां लगा दो, फिर भटके मन फिर ले आओ, रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करो, 5 मिनट 10 मिनट कुछ शुरू करो ध्यान। कबीर साहब जी ने ध्यान के लिए संदेश दिया, सबको याद भी होगा यहां पर, संतोष सहज समाधि है कि नहीं है, ये पंक्ति है कि नहीं उनकी, संतोष सहज समाधि भली गुरु प्रताप भयो जा दिन ते सुरति न अंत चली, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा जो कुछ करो सो पूजा, जब सोओ तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा, आंख न मूंदो कान न रूंधो काया कष्ट न धारो, खुले नयन हसी हसी पहचानो सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी। एक एक पंक्ति देखो पूरी तरह से महौषधि है, क्या कहते हैं, मलिन वासना त्यागी उठत बैठत कबू न छूटे ऐसी तारी लागी, कहत कबीर सहज यह रहनी सो प्रगट करी गाई, दुख सुख से एक परे परम पद सो पद है सुखदाई। ये पूरा पद है संतो सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो गुरु के वचन। ध्यान के बारे में कबीर साहब जी ने कहा है, हम आपस में लड़े मत कि कबीर साहब के माता पिता कौन, कबीर साहब कितना पढ़े लिखे थे, उनके गुरु कौन, उनके वो कौन, कबीर थे कि नहीं, बस उन्होंने जो संदेश दिया है वो हमारे जीवन का हिस्सा बने, बस वो जीवन का। और कब बनेगा, जब आप उसका अध्ययन करेंगे और जब आप उसका अभ्यास करेंगे, नहीं तो फिर वो आपका हिस्सा नहीं हो सकता है। और जितने अंशों में हमने कबीर विचारों को आत्मसात किया उतने अंशों में हम कबीर के नजदीक गए, उतने नजदीक गए, और नहीं किए इसका मतलब अभी भी दूरी बनी हुई है। हम सभी अपने जीवन के मूल्य को समझें, और इतना बढ़िया जीवन मिला है कि मैंने कहा था ना, कितनी बड़ी गलती हो जाएगी ना तो भी आप बदल सकते हैं, क्योंकि आपको विचार बदलना है, शब्द बदलना है, बस मन में कहना है बस यहीं से खत्म, अब मैं नया जीवन, जीवन बदलता है। इसलिए हम सभी ये काम करें, मेरी घड़ी में 5 मिनट बाकी है जैसा कहा गया था, लेकिन मैं जानबूझ के 5 मिनट को रोकता हूँ अब, और आप लोगों के चेहरा देख से लगता है भी आधा घंटा बोलूँ तो चुपचाप सुनते रहेंगे, भूख नहीं लगी क्या आप लोगों को, भले नहीं लगी मुझे तो लगी है तो ये विराम लेते हैं ताकि दूसरा सत्र समय से प्रारंभ हो, और दूसरे सत्र में यदि अवसर मिला और मैं जिंदा लौटा यहाँ तक तो बोलूँगा फिर से, और दूसरे सत्र में मैं कुछ अलग ही बात कहने वाला हूँ। अब ये छोड़ूंगा न कबीर साहब की बात न साधना की बात, अब पारिवारिक, हमारे पारिवारिक रिश्ते मधुर कैसे बने, है ना, पति पत्नी का संबंध, भाई भाई का संबंध, सास, ये कैसे रिश्तों में मधुरता आए। कबीर साहब ने जो प्रेम का संदेश दिया ना, आत्मा का संदेश दिया, और प्रेम का ढाई आकर प्रेम का पड़े, उस प्रेम का संदेश आज कबीर साहब वाला आप तक पहुंचाने का मन है, बसरते शुभकामना करो कि मैं तब तक जिंदा रहूं। साहब बंदगी साहब।